नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं एक मुखी से 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष हैं उनको धारण कैसे किया जाता है, वो दिखते कैसे हैं और उनको धारण करने का जो मंत्र है वो कौन सा है। आपने मेरे जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो कि रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे किया जाता है। इस वीडियो हम जानेंगे कि जो सिद्ध रुद्राक्ष है उसको धारण कैसे किया जाता है और साथ ही उसका धारण करने का जो मंत्र है वो कौन सा है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप धारण करोगे तो आपको उसका विशेष फल मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक मुखी रुद्राक्ष, स्क्रीन पर आपको इसके बारे में सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी, मैं पीछे से आपको बोलता रहूँगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये पहला वाला है, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। पहले ये जो रुद्राक्ष है वो आप देख रहे हैं सामने की किस प्रकार का वो दिखता है और इसमें इसको जो लक्ष्मी प्राप्ति, कार्य सिद्धि, सरस्वती की कृपा मतलब पढ़ाई लिखाई के और समृद्धि तथा भोग एवं मोक्ष के लिए इसको यूज़ किया जाता है, यानी इसको उसका उपयोग इन चीज़ों के लिए किया जाता है। अब उपयोग करने के लिए जो तरीका है यानी कि किस मंत्र को बोलकर इसको उपयोग में लाना है, तो इसका जो मंत्र होता है वो होता है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का यूज़ करके आप इसको पहन सकते हो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं दूसरे रुद्राक्ष यानी दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो इस रुद्राक्ष का जो उपयोग है वो बाधा का हरण करने के लिए, यानी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही तो इसको हरण करने के लिए, इसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में अगर किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी, किसी प्रकार की प्रशासनिक जो काम होते हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ रही तो इसका उपयोग किया जाता है और अपनी जो कामनाएँ होती उसको पूरा करने के लिए इस जो दो मुखी रुद्राक्ष है इसका उपयोग किया जाता है। इसको जो उपयोग करने का जो मंत्र है इस जो रुद्राक्ष है उसका जो मंत्र है वो है ओम नमः। ओम नमः मंत्र का उपयोग करके 108 बार बोल के इसको आप धारण कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष का जो दिखता कैसे वो आपको सामने दिख ही रहा होगा और इसको जो विद्या प्राप्ति के लिए, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता, पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो बच्चे के अगर मान लो दिमागी कमजोरी भी उसको है उसको दूर करना है तो लाल धागे में पिरोकर गले में या उसके रूम में बांध देते हैं। अगर गले में बांध दे तो बहुत ही ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं बांधता गले में तो उसके रूम में भी बांध सकते हैं। किसी प्रकार की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस तीन मुखी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। धारण करते समय आपको जो मंत्र बोलना है वो मंत्र है ओम क्लीम नमः। इस मंत्र का आपको उपयोग करना है। चलिए हम बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। तो चार मुखी रुद्राक्ष कैसा दिखता है वो आपको सामने दिख रहा होगा और खोई हुई वस्तु, मान लो कोई वस्तु आपकी खो जाती है तो उसको प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको उपयोग कैसे करना है, तो घर के बीचों बीच चावल की कटोरी में इस रुद्राक्ष को दो रातों तक रखे रहना देना है। उस दो रातों के दरमियान ही वो जो चीज़ गुमी हुई है, अगर वो घर में गुमी है तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी और वो आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही काम, अर्थ, मोक्ष आदि की प्राप्ति करने के लिए भी इस रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। इस रुद्राक्ष का जो धारण करने के समय मंत्र जो बोलना है वो है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का आपको उपयोग करना है। चलिए हम बात करते हैं हमारे पांच मुखी रुद्राक्ष की। तो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है कार्य सिद्धि के लिए उपयोग किया जाता है, व्यापार में वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। पैसे की आवक अगर रुक गई है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आ पाता आपके पास, तो इस प्रकार की जो समस्या है, मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति करनी है तो इस रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है, पांच मुखी रुद्राक्ष। और यह रुद्राक्ष सबसे सामान्य होता है, सब जगह ये रुद्राक्ष अक्सर यही मिलता है। इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र का यूज़ करके आप इसको धारण कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे छह मुखी रुद्राक्ष की। तो छह मुखी रुद्राक्ष जो है वो अटके हुए काम को पूरा करने यानी अटके हुए काम को बनाने के लिए, शादी विवाह में कोई अगर देरी आ रही है, कोई परेशानी हो रही है तो इसको दूर करने के लिए, इसको लाल धागे में लड़का या लड़की जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसके गले में इसको धारण करवा दिया जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए भी इस रुद्राक्ष का यूज़ किया जाता है और इस रुद्राक्ष को धारण करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम हूम नमः। इस मंत्र को बोलकर आप इसको धारण करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सात मुखी रुद्राक्ष की। तो सात मुखी रुद्राक्ष अपार धन की प्राप्ति अगर आपको करना है, इस रुद्राक्ष को अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी धारण करता है तो वह ऐश्वर्यशाली बन जाता है यानी धनपति बन जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करते समय आपको जो मंत्र बोलना है वो बोलना है ओम हूम नमः। इस मंत्र को बोलकर
आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष की। तो आठ मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो रोग की मुक्ति के लिए होता है, घुटनों जोड़ों के दर्द के लिए होता है, शरीर के किसी भी प्रकार के जो दर्द से अगर मुक्ति आपको चाहिए तो ये रुद्राक्ष आपके लिए बहुत काम का है। बीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए भी इसका पानी पिया जाता है, यानी कि बीपी और शुगर का अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका पानी पीना शुरू कर दे तो कुछ ही समय में आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी आयु लंबी होती है इससे। तो और इसको धारण करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम हुम नमः। इस मंत्र का यूज़ करके, इस मंत्र को बोलकर आप इसको धारण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नौ मुखी रुद्राक्ष की। तो वंश वृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, अगर किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो तो चांदी की कटोरी में पानी भरकर उसमें नौ मुखी रुद्राक्ष डालकर उसका पानी अगर पिया जाए तो उसको इससे फ़ायदा होता है, यानी कि उसका गर्भ धारण हो जाता है और सभी प्रकार की जो कामना होती है उसकी पूर्ति के लिए भी इस रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम हुम नमः। इस मंत्र का आपको इसको धारण करते समय इसको बोलना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दस मुखी रुद्राक्ष की। तो दस मुखी रुद्राक्ष जो होता है घुटनों का दर्द, कमर का दर्द तथा संतान प्राप्ति के लिए इस जो रुद्राक्ष है इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग करते समय जो मंत्र बोलना है वो बोलना है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का उपयोग करके इसको धारण करना है, ठीक है। बात करते हैं हम 11 मुखी रुद्राक्ष की। तो 11 मुखी रुद्राक्ष बीपी को नियंत्रित करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर की समस्या अगर किसी को है तो इसको नियंत्रित करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आने की समस्या है तो इसके थ्रू उस चक्कर आने की समस्या से भी इसको निजात मिलेगी, और जो किसी प्रकार के जो शत्रु हैं आपके उससे भी आपको निजात मिलेगी, यानी शत्रु को आप पराजित इससे कर सकते हो। मैं लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं शत्रु किसी प्रकार के हो सकते हैं तो उनको पराजित करने के लिए इस जो रुद्राक्ष है उसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम हुम नमः। इस मंत्र का यूज़ करके आप इसको धारण कर सकते हो। अब बात करते हैं हम 12 मुखी रुद्राक्ष की। तो 12 मुखी रुद्राक्ष भी रोगों में लाभ के लिए इसको पहना जाता है, बीपी की समस्या या बीपी को नियंत्रित करने के लिए इसको पहना जाता है, चक्कर की समस्या अगर किसी को है तो इसके लिए भी इसको पहना जाता है। कुल मिला के जो शारीरिक दुर्बलता है या शारीरिक प्रकार की किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या से निजात पाने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। और इसका मंत्र है ओम क्रोम क्षोम रोम नमः। इस मंत्र का आपको बोलते समय इसको पहनना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 13 मुखी रुद्राक्ष की। तो 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो संपदा को बढ़ाने के लिए, सौभाग्य एवं मंगल की प्राप्ति के लिए, व्यापार व दुकान में अगर इसको बांध दिया जाए तो आपका व्यापार भी बढ़ता जाता है, आपका जो दुकान है वो भी चलती रहती है और सभी प्रकार का जो सौभाग्य है वो आपको प्राप्त होता है। इसका जो मंत्र है वह है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का उपयोग करके आप इसको धारण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। तो अगर किसी परीक्षा में आप बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपको वो सफलता अवश्य मिलेगी, और साथ ही समस्त पापों को जो नाश करने के लिए भी इस रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। इस रुद्राक्ष को उपयोग करने का, यानी इसको धारण करने का जो मंत्र है वह है ओम नमः। इस मंत्र का आपको धारण, इस मंत्र को आप बोलकर इस रुद्राक्ष को आपको धारण करना है। तो अभी हमने सारे 14 प्रकार के जो रुद्राक्ष है, एक से लगा के 14 मुखी रुद्राक्ष है, उन रुद्राक्षों से क्या होता है और उसको धारण करने का मंत्र क्या है, यानी उस पर्टिकुलर रुद्राक्ष का मंत्र क्या है वो मैंने आपको बताया। रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध किया जाता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए विषय नहीं, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप एक विषय मुझे दिया गया। जय हिंद।